हेलो दोस्तों, सारे पीएफ मेंबर्स के लिए ईपीएफओ डिपार्टमेंट ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में जैसा कि हमें पता है 233वीं सीबीटी की मीटिंग जारी है, जिसके अंदर पीएफ से रिलेटेड बहुत बड़े बदलाव किए जाते हैं। जो भी चेंजेस होते हैं वो इस मीटिंग में डिसाइड किए जाते हैं। तो जो हाल ही में मीटिंग चल रही है 233वीं, जो 27 और 28 मार्च को ऑनगोइंग थी, उसके अंदर एक बड़ा फैसला लिया गया है सारे पीएफ मेंबर्स के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो बड़ा फैसला क्या है जो सारे पीएफ मेंबर्स को जो है इफेक्ट करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि जो 2022-23 का इंटरेस्ट रहने वाला है पीएफ अकाउंट पर, पीएफ जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको पीएफ डिपार्टमेंट ने बढ़ाकर 8.15% कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमें पता है 2021-22 के लिए जो इंटरेस्ट रेट था वो 8.1% था, लेकिन अभी हाल ही में जो मीटिंग चल रही है सीबीटी की, उसमें इसे बढ़ाकर 8.15% कर दिया गया है 2022-23 के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है सारे पीएफ मेंबर्स के लिए। ये कवायद लगा जा रही थी कि हो सकता है कि इस मीटिंग में पीएफ इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे सारे पीएफ मेंबर्स के को ध्यान में रखते हुए इसे घटाने के बजाय बढ़ा दिया। जी हाँ दोस्तों, 8.10% से इसे बढ़ाकर 8.15% कर दिया गया है 2022-23 के लिए। इसके लिए देखिए दोस्तों, जो पीटीआई का ट्वीट है वहां पर यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इसको किस तरह से 8.15% बढ़ा दिया गया है। और जो हमारे श्रम रोजगार मंत्री है भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दे दी है कि हर सारे पीएफ मेंबर्स को जो इंटरेस्ट रेट है 2022-23 को वो बढ़कर मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये सारे पीएफ मेंबर्स के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, बहुत बड़ा जो है उनको खुशी मिलने वाली है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एवरी ईयर मिलता है। जैसा कि हमें पता है कि जो इंटरेस्ट होता है वो केवल पीएफ पर ही मिलता है, जो एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है और जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसी पर इंटरेस्ट मिलता है। और ये साल के एंड में मार्च के आसपास सारे पीएफ मेंबर की पीएफ पासबुक में क्रेडिट हो जाता है। तो दोस्तों, ये था बड़ा अपडेट, बड़ी खुशखबरी सारे पीएफ मेंबर्स को लेकर। अभी आज के शाम तक ये मीटिंग चल रही है, हो सकता है कुछ और अपडेट निकल कर आए। अगर कुछ और बड़ा अपडेट निकल कर आता है तो आपके साथ में मैं जरूर शेयर करूंगा। तो दोस्तों, ये थी वो बड़े अपडेट पीएफ डिपार्टमेंट से लेकर। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और भी नए कुछ अपडेट आते हैं, नई जानकारी मिलती है तो मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।